नमस्कार, कमोडिटी मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 15 मई, कल के सेशन में कमोडिटी में हमने कुछ ब्रेकआउट्स वाले लेवल्स देखे हैं, जहां हमने गोल्ड में पहले भी देखा था कि 46,200-250 के ऊपर गोल्ड बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। कल के सेशन में हमने 46,200 का लेवल तोड़ने पे सीधा हमने 1.5% की तेजी के साथ 46,650 का लेवल गोल्ड को छूते हुए देखा। सेम वे चांदी में भी हमने देखा मल्टीपल ऑफ टाइम 43,500 के ऊपर प्राइजेस जा नहीं रहा था। पिछले 4-5 सेशन में 42,500 से 43,500 के बीच में गोल्ड चांदी ट्रेड कर रही थी और कल ब्रेकआउट के चलते हमने 0.25% की तेजी आती हुई देखी, 2.5% की तेजी आते हुए देखी, जो 44,100 का लेवल भी क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। वहीं क्रूड में हम फिर से लास्ट एक्सपायरी से पहले जो लेवल थे उस लेवल पे पहुंच चुके हैं। हमने देखा है कि इससे पहले भी 2100 का एक अच्छा रेजिस्टेंट है। लेट्स सी, आज का डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोमवार फिर से एक्सपायरी है। स्टोरेज इशू अभी भी इंटरनेशनल में बने हुए हैं, जो कहीं ना कहीं क्रूड को एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स पे पहुंचा देता है। साथ में कल CFTC की रिपोर्ट थी, जहां पे बताया गया है कि नेगेटिव प्राइस जा सकती है एक्सपायरी में। तो लेट्स सी, तो $20-25 की गिरावट क्रूड दे सकता है या नहीं दे सकता है। मार्जिन हाई है, ट्रेड थोड़ा सा संभल के कीजिए। नेचुरल गैस में शानदार रिबाउंड हुआ है प्राइजेस में। आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आज 130 के ऊपर प्राइजेस होल्ड कर जाता है तो हम फिर से एक बड़ी तेजी 145 तक का लेवल नेचुरल गैस में देख पाएंगे। वहीं बेस मेटल सुस्त रहा है। कॉपर में अर्ली गिरावट के बाद मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 397 का लेवल तोड़ नहीं पा रहा है, ना ही 404 के ऊपर जा पा रहा है। तो प्राइजेस एक ब्रॉडर रेंज में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जिंक भी 150 के ऊपर काउंटर स्ट्रांग है, जो 150 से 157 के बीच में ट्रेड करेगा। निकल में थोड़ी गिरावट जरूर है, बट जब तक 900 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, हमें लगता है 900 से 940 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। जबकि लेड और एल्यूमिनियम दोनों ही काउंटर साइडवे रहते हुए दिखाई दिए हैं। एज ऑफ नाउ हमें लगता है लेड और एल्यूमिनियम 130 के ऊपर अगर मेंटेन करता है तो 132 से 133 तक का लेवल हम दोनों ही काउंटर में देख पाएंगे। आइए सबसे पहले इंटरनेशनल मार्केट देख लेते हैं। इंटरनेशनल में भी 1720 का लेवल गोल्ड काफ़ी टाइम से तोड़ नहीं रहा था। जिस ढंग से, जिस वॉल्यूम से तोड़ा है, हमें लगता है 1756 से 1770 तक के भी लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी $16 का लेवल तोड़ चुकी है। आज शुक्रवार है, जनरली शुक्रवार एक वीकली क्लोज का इम्पैक्ट दिखाती है। तो आज अगर $16 के ऊपर गोल्ड सिल्वर मेंटेन रह जाती है तो 1680 तक का लेवल चांदी में हम देख पाएंगे। वही ब्रांड भी $27 का लेवल तोड़कर 28 के बीच में ट्रेड कर रहा है। ब्रांड भी 30 का लेवल तोड़ रहा है, बट हमें लगता है अगले 2 या 3 सेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा वेट एंड वॉच रखना चाहिए क्योंकि एक्सपायरी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। स्टोरेज इशू पिछली बार से ज़्यादा वर्स्ट है। लेट्स सी, सोमवार और मंगलवार में अगर कोई भारी गिरावट आती है तो बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। अदरवाइज मार्केट WTI को $28-28 का लेवल तोड़ के होल्ड करना बहुत जरूरी है आगे की तेजी के लिए, बट वो फंडामेंटल्स को देखते हुए नहीं दिखाई दे रही है। तो थोड़ा संयम रखिए, क्रूड में वेट एंड वॉच रखिए। नेचुरल गैस काउंटर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जो 145 का लेवल फिर से दिखा सकता है। 130 के लेवल ब्रिज करने पे बाय करके चलिए, जो ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा। विक्स इंडेक्स में जंप है, जिसके चलते इक्विटी मार्केट में थोड़ा बहुत हम एक साइडवे प्राइस मोमेंटम देख सकते हैं। ओवरऑल हमें लगता है कि इक्विटी मार्केट भी 9100 से 9350 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं डॉलर इंडेक्स हमने देखा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नहीं जाने की वजह से डॉलर में तेजी आई है, जो अभी भी 100 के ऊपर मेंटेन है, जो कहीं ना कहीं कमोडिटी मार्केट को एक प्राइस को रीचेक करता हुआ दिखाई देगा। एलएमई की बात करें तो थिंग्स हैव बीन स्लाइटली मिक्स्ड, जहां पे हमने कॉपर में 0.5% की तेजी 50-50 के ऊपर ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। वहीं जिंक निकल दोनों ही प्राइजेस साइडवे टू नेगेटिव ट्रेड कर रही है। एल्यूमिनियम लेड में भी हम पॉजिटिव देख रहे हैं, बट ओवरऑल मार्केट हमें लगता है कि एक सुस्त रेंज में रहेगी। सेल ऑन रैली शुड बी दी स्ट्रेटजी, जहाँ पे हम प्राइजेस में फिर से दबाव आते हुए देख पाएंगे। आज के ट्रेड सेटअप की बात करें तो आज सोने और चांदी में तेजी का रुख रहेगा, जो 46,850 से 47,200 का लेवल गोल्ड में, वहीं चांदी में 44,500 से 600 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। क्रूड में स्टे अवे, 2000 का लेवल तोड़ने पे ही हम गिरावट देखेंगे, नहीं तो 2100-2120 तक का लेवल देख सकते हैं। पिक ऑफ द डे हम नेचुरल गैस में देख रहे हैं, जो 130 का लेवल तोड़ने पे 134 से 136 तक का लेवल दिखा देगी। बेस मेटल थोड़ा दिन में तेज रह सकता है, बट हायर लेवल पे वापस प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा। धन्यवाद।